राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा मनमोहन सरकार में 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई लेकिन मोदी की तरह प्रचार नहीं किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मतदान के 48 घंटे बाद ईवीएम पहुंची, कांग्रेस और बीएसपी ने धांधली का आरोप लगाया। केरल में बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश को तगड़ा झटका, सबरीमाला के निकाय चुनाव में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित शारदा पीठ की यात्रा शुरू कराने के लिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को जमीन आवंटन के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। भगौड़ा घोषित करने के ईडी की दलील पर पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के वकील की सफाई, कहा भारत से जाने के वक्त नीरव मोदी सम्मानित नागरिक था और भारत लौटने पर जान का खतरा बताया। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के 6ठे चरण की वोटिंग खत्म। 16 साल बाद एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी, मार्केट कैप एप्पल से $4 अरब ज्यादा। और 94 साल की उम्र में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर का निधन।